हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, उनका फॉर्मेट किस तरह से बनता है और फिर किस तरह से कौन सी उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोसाइटी को एक सर्विस देने के लिए बनाए जाते हैं और या फिर ये अपने मेंबर्स को भी सर्विस देते हैं, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि आपका क्लब हो गया, आपका लाइब्रेरीज हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सब इसके अंदर आपके आते हैं, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी को सर्विस देना, अपने मेंबर्स को सर्विस देना, ठीक है। तो इनका जो मेन मोड ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक सर्विस देना है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्विस देना, यानी कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं बने। मतलब ये इनका जो बताने का तरीका है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एम क्या है? तो लोगों को सर्विस देना, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा ही था, इसका मेन एक एम क्या है? अपनी सोसाइटी में अपनी कोई सर्विसेज देना, जैसे स्कूल से अपनी सर्विस देता है, हॉस्पिटल अपनी सर्विस देता है, लाइब्रेरी अपनी सर्विस देता है, वैसे इनका भी एम क्या है? सर्विस देना, या फिर अपने मेंबर्स को भी सर्विस दे सकते हैं, जैसे क्लब है तो अपने मेंबर्स को सर्विस देगा। फॉर्म, अब इसकी फॉर्म क्या होती है? ये बनते हैं आपके जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज हो गई, है ना, ये इनकी फॉर्म होती है। और इसके मेंबर्स क्या होते हैं? इसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं, है ना, जो इसमें क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन करते हैं, वो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेपरेट एंटिटी। इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ये अपने मेंबर से अलग होती है, ठीक है। किसी की मेंबर के आने से या जाने से या मेंबर के डिसीज हो जाने से इसकी लीगल एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा है वैसा ही रहता है। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको इसमें जो इसके मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं चलाने के लिए, वही इसको मैनेज करते हैं कि किस तरह से इसको चलाया जाए। अब इसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है सब्सक्रिप्शंस। जो इसके मेंबर इसमें बनते हैं वो इसमें सब्सक्रिप्शन के माध्यम से क्या करते हैं, आपका इसमें पैसा देते हैं अपना। और इसके अलावा डोनेशंस होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया, ग्रांट हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस तरीके की चीजों से इनकी इनकम होती है। और हो सकता है कि इनने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और फ्रॉम दैट ऑल्सो दे कैन गेट सम इनकम। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी जब इसका फाइनल अकाउंट बनेंगे, जब इसमें जो इसका इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, इसके मेंबर्स के बीच में बांटते नहीं है, बल्कि उसको क्या करते हैं, हम कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। यानी कि जब लास्ट में जब इसका जो इनकम होगी, जो इसकी इनकम होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? सरप्लस बोलेंगे। और उस सरप्लस को क्या करेंगे हम? कैपिटल फंड में जोड़ देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका जो इनकम है उसको हम इसके मेंबर्स के बीच में बांटते नहीं। अब इनको भी अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, उसमें हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। अब देखते हैं कि इसके अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें बनते हैं आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इसमें बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाद में इसमें बनती है आपकी बैलेंस शीट। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं? ये आपके कुछ नहीं होती है, एक सिंपल आपकी ये आपकी सिंपल एक कैश बुक होती है, ठीक है। कैश बुक जिसकी दो साइड होती है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में हम टू लिखते हैं, पेमेंट साइड में हम बाय लिखते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी इनकम्स होंगी वो हमारे रिसिप्ट में आएगी, जो पेमेंट होगी उसमें चलाएगी। यानी कि कैश बुक है, इसमें जो भी हमारे कैश के रूप में या बैंक चेक के माध्यम से जो भी पैसा रहा, दैट विल बी इन द रिसिप्ट साइड, और जो हम दे रहे हैं दैट विल बी ऑन द पेमेंट साइड। उसके बाद हमारा बनता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हमारी दो साइड होती है, एक्सपेंडिचर और इनकम। एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमने खर्चे किए, इनकम यानी कि जो हमको मिला है। अब हमारी जो इनकम होंगी वो इसी साल की इसमें आएंगी, और उनकी नेचर होनी चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जो विद इन दिस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं अपना रेवेन्यू नेचर की जो भी इनकम्स होंगी उनको हम इनकम साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से हमारी
एक्सपेंडिचर में भी खर्चे वही आते हैं जो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू नेचर की ही चीजें इसके अंदर आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स। अब इसमें हमारा, इसके बाद हमारी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है हमारा, एक साथ लायबिलिटी, एक साइड एसेट्स। लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी कैपिटल नेचर की जो भी रिसिप्ट होंगी उनको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब कैपिटल नेचर की रिसिप्ट क्या होती है, यानी कि वो रिसिप्ट जिनका फायदा, मतलब जो कि एक तरीके से कभी कभी हमको मिलती है, जिनके बिग अमाउंट्स होते हैं, हम इनको देखेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट किस टाइप की होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट किस टाइप की होती है आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन, इट इज ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये डेबिट साइड में दिखाई जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि जब इनकम आती है रिसिप्ट पेमेंट हमारा एक कैश बुक है, तो ये आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी, जो भी रिसिप्ट होगा उसमें जाएगी। हाँ, और इसको हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की होती है। सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारा एक रेकरिंग नेचर की इनकम है जो बार बार होती है। तो इसको हम किस में दिखाते हैं आपका, इसको हम दिखाते हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, यानी कि अपनी इनकम दिखाते हैं और वो भी अपनी रेवेन्यू नेचर। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये एक प्रकार की फीस है जो इसके मेंबर एक बार में ही एक साथ दे देते हैं, ठीक है। Once in their lifetime, it is receipt of non-recurring nature, capital receipt. और ये क्या होती है, हमारी capital receipts होगी, क्योंकि एक साथ ही मिल गया, एक बड़ा amount है, members ने दिया है, अपना life membership, हमेशा की एक membership ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं आपका, balance sheet में दिखाते हैं आपके liability side. तो ये जो income है, ये business के लिए आपकी क्या है, एक capital receipt है. Next पढ़ते हैं हम endowment fund. ये वो fund होता है कि जो एक इनकम मिलती है सर किसी के गिफ्ट के द्वारा, ठीक है, किसको, किसी भी एनपीओ को, और ये हमारी क्या होती है, एक तो रिसिप्ट में आती है आपकी, और दूसरी ये जो इनकम है हमारे लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, तो इसलिए कैपिटल रिसिप्ट होती है। और ये आपकी किस में दिखाई जाती है, आपकी एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई जाएगी, और दूसरी ये आपकी हमारी लायबिलिटी साइड में, कैपिटल रिसिप्ट साइड में दिखाई जाएगी। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारी जो जनरली होती है आपकी, कि इसके जो मेंबर होते हैं जब वो शुरुआत करते हैं, जब किसी भी मतलब एनपीओ में अपना, तो उनको क्या करते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन के अलावा एक अपनी एंट्रेंस फीस भी देनी पड़ती है। जो ये एंट्रेंस फीस होती है ये आपकी कभी कभार होती है, तो चाहे तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं अगर इसकी अमाउंट बड़ी है। जनरली इसको आपका क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी माना जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, उसके नेचर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। अब डोनेशन भी हमारे क्या होते हैं, आपके बिग डोनेशन भी होते हैं और स्मॉल डोनेशन भी होते हैं, है ना। डोनेशन में हमारे एक स्पेसिफिक डोनेशन भी होते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होते हैं, वो डोनेशन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि कोई एनपीओ है, उसमें क्या करना है, जैसे मान लो एक मंदिर है, उस मंदिर में हमने एक मूर्ति लगानी है, तो ये क्या हो गई हमारी, स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन हो गई कि हमने उस मूर्ति के लिए जो डोनेशन दी, ये आपकी कैसी है, कैपिटल नेचर की है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं आपकी बैलेंस शीट में। इसी तरीके से मान लो आपका एक ग्राउंड है, उसमें हमने एक पवेलियन में सीट्स लगानी है, तो वो क्या होगी, एक स्पेसिफिक डोनेशन होगी। तो स्पेसिफिक डोनेशन को हम कहां दिखाते हैं आपका, लायबिलिटी साइड में। जनरल डोनेशन आपकी दो प्रकार की होती है, डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो हमारी डोनेशन आपकी दो प्रकार की हो गई, एक जनरल डोनेशन और दूसरी आपकी, जनरल डोनेशन में आपकी ये हो गई आपकी एक स्मॉल और एक बिग। जो बिग होती है उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है, और जो स्मॉल डोनेशंस होती हैं उनको हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में आपकी। लेगेसीज, लेगेसी क्या होता है कि कोई अपनी इच्छा से कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई अपनी विल दे दान दे देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो ये हमारा क्या होता है, जनरली ये बिग अमाउंट का ही होगा, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा और ये शो होगा आपका लायबिलिटी साइड में आपका बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, अब अगर मान लो हमने कोई सोल्ड एसेट करी है पुरानी, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा, इससे हमारी कैश बुक पे फर्क पड़ेगा। इसमें कैश बुक का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वहां पर आपका फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होता, हाँ, लेकिन इसका जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम जरूर शो करेंगे किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड सोल्ड मेटल।
और स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हमने अपना कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए अपना या फिर अपना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिए, तो इससे हमारी इनकम होगी, तो इससे हमारी एक तो रिसिप्ट साइड में हमारा कैश आएगा, और दूसरी चीज जो हमारी क्रेडिट साइड होगी इनकम एक्सपेंडिचर की, रेकरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली है, छोटी अमाउंट की है, तो किसमें आ जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर। पेमेंट ऑफ ऑनोरियम, ये क्या होता है कि जैसे कोई हमारे यहाँ काम करता है जो कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है लेकिन अपनी स्वेच्छा से काम करता है, तो हमें उसको कुछ पैसे दिए, तो इसमें क्या होगा हमारा एक तरीके से एक्सपेंस होगा, और ये जो एक्सपेंस होगा इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, रेकरिंग नेचर का है ना, बार बार होने वाली चीजें, तो इसलिए इसको हम वहां भी दिखाएंगे और अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी इसका आपका हमारा पेमेंट भी होगा। तो आप सभी लोगों का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।